जोगिंद्रा बैंक नौणी ब्रांच की मैनेजर ने कुछ स्वयं सहायता समूहों द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नौणी बैंक की ब्रांच मैनेजर निशा ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जब वह शांति शाखा में कार्यरत थी तब वर्ष 2013 व 15 में महिलाओं के कुछ स्वयं सहायता समूहों को बैंक व नाबार्ड के नियम व शर्तों के आधार पर लोन दिया गया था, लेकिन दी गई राशि को न लौटाने पर बैंक द्वारा बार बार इन सहायता समूहों को बैंक से भी नोटिस दिए गए हैं। नोटिस के बाद भी जिन समूहों ने लोन वापस करने में आनाकानी की उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है, लेकिन समूह की कुछ महिलाओं ने लोन वापस न करने की एवज में उन्हीं पर लोन के दौरान अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए निशा ठाकुर ने कहा कि पाजो के दो स्वयं सहायता समूह व क्लीन के एक महिला स्वयं सहायता समूह को नाबार्ड की स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 1.5 लाख रुपए के ऋण दिए गए थे। बैंक मैनेजर ने कहा कि बैंक द्वारा महिला स्वावलंबन के तहत दिए गए ऋण में से समूह की एक महिला ने समूह से बाहर किसी अन्य महिला को 1 लाख रुपए व्याज पर दे दिए, जो नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि जब लोन को वापस लेने वाले उन्हें बैंक से नोटिस जारी किए गए तो उन्होंने उल्टा बैंक मैनेजर पर ही झूठे आरोप लगाने का षड्यंत्र रच दिया, जिससे उनकी व बैंक की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि समूह की इस महिला ने उन पर आरोप लगाया है कि वे वर्ष 2013 में दिए गए लोन के एक मामले में डिफाल्टर हैं और उनके चेक बाउंस का केस चल रहा है। ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी ऋण मंजूर किए हैं उनमें बैंक व नाबार्ड की गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया गया है, ऐसे में अनियमितताओं का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने कहा कि संदर्भ में वह जल्द से जल्द झूठे आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगी। ये एक फ्रॉड का मामला है जो इन लेडीज ने जो है फर्जी ग्रुप बनाए हैं और इसमें जो है इन लेडीज ने जो है बैंक का नाम भी और मेरा नाम खराब करने की पूरी कोशिश की गई है। मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आई हूँ और दिखाया गया है कि ये एकदम फर्जी ग्रुप है। ये एक ही परिवार की मेंबर जो है आपस में मिलकर जो है इस तरह के काम कर रहे हैं। इनका ये पैसा नहीं देना चाहते हैं, ये काफी टाइम से चल रहा है। हम रिकवरी के लिए इनको नोटिस वगैरह लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं पर हमेशा कुछ ना कुछ मतलब इस तरह से बोल देते हैं कि नहीं इसमें ग्रुप में ऐसा कोई स्कीम के तहत है ही नहीं, कुछ नहीं कि इनसे कुछ सिक्योरिटी ली जाए। इन्होंने उसके बाद भी जो है बैंक में जाके एफिडेविट दिया है कि हमने ये जो लोन है आगे फर्दर किसी को दिया है। ये तो ग्रुप में तो स्कीम के इसी तरह से होता है, स्कीम के हिसाब से हमने लोन दिया है। फर्दर तो ये है कि हमारा एक आर्बिट्रेशन केस चलते हैं, इन्होंने चेक वगैरह दिए हैं वो भी बाउंस में है पहले से ही है जो डिफॉल्टर चल रही है और इनके जो कोर्ट से डिसीजन भी हो चुका है कि सजा हो चुकी है इनको और अब मैं भी इनके अगेंस्ट मानहानि का केस इनके लिए कर रही हूँ।